बीट हुए जॉन सीना, सर के बल मुंह के बल पटक दिया है। रैंडी ऑर्टन सबमिशन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जॉन सीना को, ये जो टांग लिया है क्या लगता है तोड़ देंगे पीठ को। माय गॉड, मेरे अनमोल रतन। हेलो हेलो, नमस्कार देवी और सज्जनों, कैसे हैं आप? वेलकम टू स्मार्ट मुर्गा। स्मार्ट मुर्गा में आपका स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने मेरा कहा हुआ कर दिया था, मैंने कहा था कि आप लोग मेरे दो अनमोल रतन पे 10 लाइक कंप्लीट कर दीजिए, आपने कर दिया और हम आ गए हैं उसका पार्ट टू लेकर के। मेरे दो अनमोल रतन, जो कि दोनों अनमोल रतन रोमन रेंस के पास हैं, यूनिवर्सल चैंपियनशिप और WWE चैंपियनशिप दोनों बेल्ट लेकर के दौड़ रहा है रोमन, और उसको क्या कोई कंटेंडर है, क्या कोई चैंपियन है जो इसको लेगा, इसी चीज को डिसाइड करने के लिए हमने ये सीरीज बनाई है, जिसका पार्ट वन अपलोड कर दिया गया है मेरे स्मार्ट मुर्गा चैनल पे। आप पार्ट वन जाकर के देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए मेरे दो अनमोल रतन पार्ट वन देखिए, उसके बाद पार्ट टू देखिए। अगर आपने पार्ट वन देख लिया है तो पार्ट टू के लिए आप रेडी हो जाइए, क्योंकि पार्ट टू जो आना आ गया है वो है जॉन सीना और द वाइपर के बीच। तो क्या लगता है कौन जाएगा, कौन क्वालिफाई करेगा क्वार्टर फाइनल के लिए? पहले ये मैच क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, उसके बाद क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा, फिर फाइनल मैच हम रोमन रेंस से लड़वाएंगे डबल टाइटल के लिए। कौन है जो बेल्ट रोमन रेंस से ले लेगा, या रोमन रेंस अपना बेल्ट रिटेन करेंगे, अपने पास रखेंगे? तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं, मजा आएगा। पहले पार्ट में जो कि डोमिनेट किया था पूरी तरीके से कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को, तो ब्रॉक लेसनर वर्सेस कोडी रोड्स फर्स्ट पार्ट था, और सेकंड पार्ट हम लेकर के आ गए हैं जॉन सीना वर्सेस द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बीच। तो चलिए मजा आएगा, देखते हैं कौन किसको ठोकेगा, कौन किसको लेकर चलेगा खेत में और ठोकेगा रेत में। आइए दोस्तों शुरू करते हैं ये मैच। टैन टैन साला, देखते हैं कौन किसको ठोकता है। एंट्रेंस हम ऑफ कर देंगे और देखते हैं हक्की टिकी कौन करेगा। आजकल थोड़े से हम परेशान चल रहे हैं नेट की कनेक्टिविटी की वजह से, लेकिन मेरे यार, मेरे दोस्त, मेरे जिगर के छल्लों, आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, हम आएंगे और जरूर आएंगे। और यहाँ शुरुआती दौर चालू हो चुका है मैच। जॉन सीना वाइपर को आयरिश स्वीप दे चुके हैं कॉर्नर में। कहाँ गए हैं जॉन सीना? ओ माय गॉड, क्या निकाल रहे हैं, स्लैच हैमर लेकर के आए थे जॉन सीना, लेकिन भाई वो हैमर काम आया नहीं। रैंडी ने कहा कि जॉनी हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेगा, जॉनी हम तुमको ऐसे नहीं छोड़ेगा। टांगों पे वार कर रहे हैं, टांग को पीला कर दिया है रैंडी ऑर्टन ने, और रैंडी ऑर्टन नीचे चले गए हैं। क्या ये स्टील स्टेप? स्टील स्टेप से मोहब्बत है, स्टील स्टेप से प्यार है मेरे यार। मेरा बहुत खर्चा होता है यार तुम्हारे रिंग के लिए। ये जो भाई दिया मुंह पे दिया जॉन सीना, मुंह पे दिया है जॉन सीना ने, और स्लैच हैमर लेकर के नीचे आ चुका रैंडी ऑर्टन के हाथ में है। स्टील स्टेप मारना चाह रहे थे बट वो बीट हुए। जॉन सीना ने पूरी तरीके से अपने एटीट्यूड को दिखा रहे हैं, स्लैच हैमर से ठोक दिया है तो वाइपर को, रैंडी ऑर्टन को, और ठोके जा रहे हैं भाई साहब। लग रहा है लेके खेत में यही जाएंगे रैंडी ऑर्टन को, और खुद ठोकेंगे रेत में। भाई साहब ठोक दिया, क्या बात है। कम बैक करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं रैंडी ऑर्टन, लेकिन बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं। स्लैच हैमर छोड़ ही नहीं रहे जॉन सीना, लेकिन फाइनली रैंडी ऑर्टन ने कम बैक किया और जॉन सीना से कहा कि यह हथौड़ा तू छोड़ दे मेरे भाई। शोल्डर अटैक दे दिया है वाइपर को। क्या करना चाह रहे हैं जॉन सीना, क्या ये जंप लगाएंगे? ओ रैंडी ऑर्टन प्रयास, क्या लगता है रैंडी ऑर्टन इतना जल्दी? नहीं, ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता जॉनी।
तुमको ठक डिग करना होगा पहले वाइपर को, उसके बाद तुम्हें पिन कहीं मिलेगा। बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्तों, ये है दो अनमोल रतन पार्ट टू। मेरे दो अनमोल रतन पार्ट टू है, पार्ट वन जो कि हमारे चैनल पे है स्मार्ट मुर्गा पे, आप जाइए और देखिए, उसके बाद पार्ट टू देखिए। ये जो मैच हो रहा है वो क्वार्टर फाइनल के लिए हो रहा है कि जो इसमें से जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में जाएगा। और यहां देखिए ठोक दिया है, जॉन सीना बहुत गुस्से में लग रहे हैं मुझे। इन्होंने पहले स्लैज हैमर से ठोका, उसके बाद भाई साहब चेयर से ठोक दिया। स्टील स्टेप उठा करके रैंडी ऑर्टन प्रयास जरूर कर रहे थे, लेकिन पूरी तरीके से रैंडी ऑर्टन को डोमिनेट कर रहे हैं जॉन सीना। आप लोग देख रहे हैं क्या ठोक रहे हैं, लेके चले गए खेत में, टांग के पटकेंगे, सर के बल मुंह के बल पटक दिया है, लगता है मुंह तोड़ देंगे, नाक फोड़ देंगे। बहुत ही डेंजर सिचुएशन आ चुकी है दोस्तों, और बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहे हैं जॉन सीना। जॉन सीना ने निकाल लिया कैंडो स्टिक, लेकिन वाइपर जो कि कम बैक कर चुके हैं और जॉन सीना को बता दिया है कि ये जो दो अनमोल रतन है जॉन सीना, उसको केवल तुम नहीं लेके जा सकते हो, मैं भी हूं, मैं हूं खलनायक। और पूरी तरीके से एटीट्यूड के साथ ठक्की ठिकी कर रहे हैं जॉन सीना के साथ भाई साहब। जॉन सीना ने लपेट दिया रिंग के अंदर द वाइपर को, लेकिन क्लोज लाइन घुसते ही जॉन सीना को दिया वाइपर ने। प्रयास किया जरूर था जॉन सीना ने, लेकिन भाई ये जो टांग लिया है क्या लगता है तोड़ देंगे पीठ को। माय गॉड, बहुत ही तगड़ा डैमेज दे दिया है रैंडी ऑर्टन। क्या निकाल रहे हैं, क्या लगता है, ओ ओ ओ ओ इससे पड़ेगी तो ओ, छीन लिया। और यहां पे देखिए छीन करके बेस बैट से पेट के ऊपर मार दिया। भाई साहब इनको ठोक रहे हैं, क्या वेट कर रहे हैं, फिर से मारो। माय गॉड, ओ माय गॉड, कोई भी चीज छोड़ी नहीं है जॉन सीना ने। सबसे पहले ठोका इनको किससे, स्लेज हैमर से, उसके बाद चेयर से, उसके बाद कैंडो स्टिक निकाला, फिर भाई साहब बेस बैट निकाला तो रैंडी ने था, लेकिन ठोक दिया जॉन सीना ने। रैंडी ऑर्टन सबमिशन दिलाने का प्रयास कर रहे हैं जॉन सीना को, क्या लगता है, नहीं ये प्रयास भी विफल रहा रैंडी ऑर्टन का। और रैंडी ऑर्टन को रिंग के किनारे पटक दिया है, फिर से उठा लिया है बेस बैट और पहुंच गया रैंडी ऑर्टन के पास। जॉन सीना ठोके जा रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से ठोक रहे हैं, फिर से लगेगा क्या कुछ तो प्रयास करने की कोशिश। रैंडी ऑर्टन सोच रहे होंगे कि क्या ये दो अनमोल रतन मेरे हाथ से चला जाएगा। क्या लगता है दोस्तों, कौन किसको ठोकेगा, कौन किसको लेके जाएगा खेत में, ठोकेगा रेत में। उठा लिया है चेयर रैंडी ऑर्टन, क्या चेयर लगेगा, जी हां सर फोड़ दिया है जॉन सीना का, सर फोड़ दिया है, तोड़ दिया है। बहुत बुरी तरीके से वापसी देखने को मिली है हमें रैंडी ऑर्टन उर्फ आरकेओ उर्फ द वाइपर की। ये सपोला डसेगा, सर को फोड़ दिया है जॉन सीना के, और रिंग के अंदर घुस गए जॉन सीना। सर के रास्ते ब्लड ही ब्लड, खून ही खून मचा दिया, खूनी जंग हो रही है। क्वार्टर फाइनल में इतना मजा आ रहा है दोस्तों, तो क्या लगता है क्वार्टर फाइनल मतलब कंपीट करने के लिए, क्वार्टर फाइनल में जाने के लिए इतना मजेदार मैच देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि क्वार्टर फाइनल में तो और ही मजा हो। माय गॉड, ये क्या ये तो भाई ये है मूव थिफ, आरकेओ लग गया आरकेओ को ही, रैंडी ऑर्टन को ही आरकेओ दे दिया जॉन सीना ने, और ठोक दिया है रेत में, लेके चले गए खेत में और इनको ठोक दिया है रेत में। क्लोज लाइन देने का प्रयास पूरी तरीके से विफल रहे रैंडी ऑर्टन, लेकिन डीडीटी देने से बाज नहीं आएंगे रैंडी ऑर्टन। रैंडी ऑर्टन का ही मूव रैंडी ऑर्टन को बजा दिया और ठोक दिया है जॉन सीना ने, सर को भी फोड़ दिया, खून निकल रहा था जॉन सीना का, लेकिन जॉन सीना ने कहा कि मैं भी ठोकेगा साला, और सर फोड़ दिया है रैंडी ऑर्टन का। फिर से दोनों कंटेंडर रिंग के अंदर, दोनों चैंपियन रिंग के अंदर, क्या लगता है कौन जाएगा क्वार्टर फाइनल में।
पहला हमारा प्लेयर क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है जो कि है कॉडी रोड्स। इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल लड़ेगा हमारे कॉडी रोड्स से। कॉडी रोड्स जो कि बहुत ही प्रबल दावेदार लगते हैं मुझे मेरे दो अनमोल रतन के लिए। क्या लगता है रोमन रेंस से लड़ेगा कौन फाइनल में? दोस्तों बने रहिए पार्ट टू में, इसके बाद पार्ट थ्री अपलोड किया जाएगा। जैसे ही आप लोग हमें 10 लाइक ठोक देंगे वैसे ही पार्ट थ्री हम ठोक देंगे। दौड़ करके गए हैं जॉन सीना, बेस बैट उठा करके मारने का प्रयास कर रहे थे रैंडी ऑर्टन, लेकिन पूरी तरीके से पीट हो रहे हैं। जॉन सीना बिल्कुल मौका रैंडी ऑर्टन को दे नहीं रहे हैं। जॉन सीना ने लाल कर दिया है रैंडी ऑर्टन को। क्या सोच रहे हैं, क्या दिमाग में चल रहा है जॉन सीना के, क्या प्रयास करने की कोशिश। ओ बहुत ही बेहतरीन मूव द वाइपर का। क्या आरकेओ तो वाइपर दे पाएंगे, क्या दे पाएंगे हमें नहीं लगता। दोस्तों जॉन सीना पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं और बिल्कुल भी मौका देने का प्रयास कर नहीं रहे जॉन सीना। फिर से सबमिशन देने का पूरी तरीके से प्रयत्न किया है, लेकिन ये जो सबमिशन है ये आपको अंदर देना पड़ेगा। रैंडी रैंडी की डेंडी लगा दी है जॉन सीना ने। जॉन सीना जो कि बहुत बेहतरीन खेल रहे हैं, हमें लगता है ये मैच जॉन सीना जीतेंगे, क्योंकि जो पूरी तरीके से मैच स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक जॉन सीना बहुत बेहतरीन तरीके से डोमिनेट किया है दोस्तों। और यहां देखिए रैंडी ऑर्टन ने उठा लिया स्टील, क्या ये दे पाएंगे स्टील स्टेप के साथ? क्या वेट कर रहे थे, क्यों वेट कर रहे थे? जी हां दे दिया है, दे दिया स्टील स्टेप के साथ दे दिया और उसको उसी जगह पर रख दिया जहां वो होना चाहिए था। बेस पैड भी उठा लिया है, कम बैक कर चुके हैं रैंडी ऑर्टन। ओ माई गॉड पीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, लेकिन जॉन सीना भी कहां छोड़ने वाले भाई। जॉन सीना भी कह रहे हैं कि भैया देखो ऐसा है, ये जो दो अनमोल रतन है वो तो हम लेके जाएंगे और लड़ेंगे हम रोमन रेंस से। टिका दे रहे हैं, बिल्कुल एकदम टिका के दे रहे हैं, बहुत खतरनाक मार रहे हैं। फिर से उठा लिया बेस बैट। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इतना क्यों मार रहे हैं जॉन सीना? कह रहे हैं तुम हमारे और दो अनमोल रतन के बीच में कैसे आ रहे हो रैंडी। लेकिन रैंडी भी कहां मानने वाले हैं, रैंडी भी पूरी तरीके से प्रयास में लगे। फिर से स्टील स्टेप उठा रहे हैं, क्या इस मौके को गवाएंगे? जी नहीं, दे दिया स्टील स्टेप के साथ। जॉन सीना फिर से कम बैक करने का प्रयास, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने तोड़ दिया है गर्दन, गर्दन तोड़ दी है भाई। फिर ये स्टील स्टेप से हो गई है मोहब्बत रैंडी ऑर्टन को, छोड़ दिया है। क्या चल रहा है दिमाग में, दोनों ही प्लेयर बहुत बेहतरीन मूव्स दिखा रहे हैं। क्या ये रिंग के अंदर नहीं लड़ रहे, क्यों नहीं लड़ रहे? जाइए प्लीज रिंग के अंदर भी थोड़ा सा कमाल दिखाइए। सुन लिया रैंडी ऑर्टन ने, सुन लिया स्मार्ट मुर्गा की बात। रैंडी ऑर्टन समझ रहे हैं, रैंडी ऑर्टन को पता है कि स्मार्ट मुर्गा ही है जो मैच करा रहा है, खिला रहा है। हम बहुत दूर मैच कर रखे हैं दोस्तों, हमने जो ये अपना स्टेडियम तैयार किया है, जो ये रिंग तैयार किया, इसमें बहुत खर्चा किया है मेरे यार। और जॉन सीना ने निकाल ली है टेबल। ओ माय गॉड द वाइपर पहले से रेडी थे, लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरे यार। क्या कर रहे हैं, जो कंधा मारा है, शोल्डर अटैक कर रहे हैं। दोनों प्लेयर लहूलुहान हो चुके हैं, खूनम खून खून खच्चर चल रहा है भाई। रैंडी ऑर्टन फिर से कॉर्नर में टिके हुए हैं। जॉन सीना लगता है ऊपर से ए लगाएंगे, लग रहा है हमें ऊपर से ए लगने वाला है रैंडी ऑर्टन के ऊपर। जी हां ये देखिए, ओ ओ ओ ओ जॉन सीना को ये महंगा पड़ गया दोस्तों। टेबल के ऊपर टिका दिया सर को, जो सर से ब्लड ही ब्लड निकल रहा है उसको और फोड़ दिया है रैंडी ऑर्टन ने। रैंडी ऑर्टन जो कि बहुत तरीके से इस गेम में वापसी करने का प्रयास कर रहे हैं और शायद वापसी कर चुके हैं। और दो फिनिशर, जो कि एक फिनिशर रिवर्स कर दिया था पिन करने का प्रयास। क्या लगता है दोस्तों, रेजिलेंसी जाएगी जॉन सीना की? क्या दो? जी नहीं, जॉन सीना बहुत ही बेहतरीन तरीके से टोंट कर रहे हैं जॉन सीना को। रैंडी ऑर्टन ये लगाने का प्रयास, क्या ये लगेगा? जी हां लग गया है। 1 2
थ्री, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, रेजिलेंसी धरी की धरी रह गई, टेबल धरा का धरा रह गया। और जैसा कि हमने बताया था दोस्तों, ये बंदा, ये है सुपरस्टार, ये है खलनायक, ये है कंटेंडर जिसने क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, रैंडी ऑर्टन को बीट किया है, वाइपर का सर कुचल दिया, सपोले का सर अपने पैरों के तले रख करके राउंड दिया दोस्तों, और चले गए हैं ये क्वार्टर फाइनल में। इनकी लड़ाई जो होगी वो होगी कॉडी रोड्स के साथ, जो कि क्वार्टर फाइनल में लड़ेंगे हमारे जॉन सीना। और यहां पे देखिए दोस्तों, जॉन सीना ने ठोक दिया है रैंडी को, लेके चले गए खेत में, ठोक दिया है रेत में। रैंडी ऑर्टन की जॉन सीना ने इतनी करी धुलाई कि रैंडी ऑर्टन को याद आ गई अपनी माई और चिल्लाने लगे, माई रे माई। मेरे दो अनमोल रतन का ये सेकेंड पार्ट जो हमने रिलीज किया है, इस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोगों से 10 लाइक। 10 लाइक आते ही थर्ड पार्ट रिलीज होगा और देखते हैं थर्ड पार्ट में कौन क्या करके दिखाएगा। थर्ड पार्ट जो है वह है क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे, लड़ेंगे कौन, सेथ रॉलेंस वर्सेस एज स्टार। तो यहीं पे दोस्तों स्मार्ट मुर्गा करता है अपने वाड़ी को विराम, करता है सबको राम राम, जय श्री राम। तो बोलिए, पुट कंट्रोलर डाउन, राइज योर हैंड एंड से स्मार्ट मुर्गा की जय।